हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प एजुकेशन। जैसा कि हमको पता है कि जीपीएससी ने असिस्टेंट इंस्पेक्टर मोटर व्हीकल क्लास 3 के लिए 153 वैकेंसी निकाली हुई है। अब उसका फॉर्म भरने का समय आ गया है, उसका 15 से लेके 30 तक अक्टूबर तक उसकी हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर इसको कैसे फिलअप किया जाए, ये कैसे फिलअप किया जाए, तो काफ़ी लोग के डाउट्स हैं। इसलिए एक सेशन हम लोग ने लिया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं जीपीएससी का, ठीक है, वो देखते हैं। और कोई भी क्वेरी हो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, एटलीस्ट जो बच्चे नहीं रीच कर पा रहे हैं उनको हम डायरेक्ट कमेंट में ही आंसर दे देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्म फिलअप करना। अब देखो, सबसे पहले हम फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो हमारी ये वाली वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप होती है जीपीएससी की ओजस पे, gpscojas.gujaratgovernment.in, इस पे हमारे फिलअप होती है, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट का होम पेज है। अगर आप गूगल पे डालेंगे जीपीएससी ओजस और पहला ही जो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला हमारा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। अब हमको अप्लाई करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, देन अप्लाई एडिट एंड प्रिंट एप्लीकेशन, और फीस पे हमको अप्लाई करना है। तो फर्स्ट स्टेज हमारा है अप्लाई करने का। अप्लाई करने के बाद डिफरेंट वैकेंसीज हमको शो हो जाएंगी। अब हम देखोगे तो हमारे एडवर्टाइजमेंट नंबर 52 है, असिस्टेंट इंस्पेक्टर मोटर व्हीकल, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। यहाँ से हम अप्लाई करेंगे, यहाँ से डिटेल है, डिटेल से हम पीडीएफ नोटिफिकेशन हमको जो है वो जनरेट हो जाएगी और यहाँ से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर से एक ऐसा जनरेट होगा, यहाँ पे आपको उसका जितनी भी असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जितनी भी वैकेंसीज हैं, कौन सा क्लास है, सबका आपको इसमें एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये वैकेंसीज हैं इतनी, ये सब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमको अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक ये इंटरफेस जनरेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना दो बच्चे होते हैं, एक बच्चे वो है कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम जीपीएससी फॉर्म भर रहे हैं, सेकेंड बच्चे वो है जो ऑलरेडी प्रीवियसली फिल्ड किए हैं फॉर्म। तो जिन्होंने प्रीवियसली फिल्ड किया हुआ है उनके पास एक ओटीआर आता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो नंबर होता है, वो उनके पास जनरेट हुआ होगा, उसको यहाँ पे डालेंगे, बर्थ डेट डालेंगे, अप्लाई ओटीआर करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई ओटीआर करने के बाद जो हमारा इंटरफेस खुलेगा उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो बच्चे नए हैं उनके लिए, जो बच्चे नए हैं वो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद देयर आर लॉट्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ के उसके बाद आई एग्री करो। आई एग्री के बाद ये हमारा फॉर्म खुलेगा, ठीक है। फॉर्म खुला, इसको हमको भरना है। सब लोग ने फॉर्म भरा हुआ है अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं कोई भी स्टेज पे उन्होंने फॉर्म तो भरा ही होगा। कुछ नहीं करना है फॉर्म के अंदर, इसमें जो है डॉक्टर है तो डॉक्टर, मिसेस है मिस्टर, जो भी है वो सब फिलअप कर देंगे। सर नेम भरेंगे, सर नेम फिलअप, देन फर्स्ट नेम, देन फादर नेम, देन मदर नेम, जहाँ पे स्टार है वो कंपल्सरी फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे जेंडर में मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, मेल तो रिसेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ, अपना मैरिटल स्टेटस, मैरिड है कि अनमैरिड है, सेपरेटेड। यहाँ पे हमको कैटेगरी डालनी है, कैटेगरी के अंदर देखो तो जनरल है, ये है, ये सब कुछ है। तो अगर हम जनरल में तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा, अगर मैं जनरल पे क्लिक करता हूँ तो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि जनरल वालों को कोई रिजर्वेशन तो मिलता नहीं है, तो कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखते हैं अगर EWS, तो EWS पे क्लिक करते हैं तो देखो EWS सर्टिफिकेट नंबर, जब आप कभी भी EWS बनवाओगे तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर होगा, टॉप पे लिखा होता है, देन सर्टिफिकेट डेट, कौन सा ऑफिसर ने आप पे असाइन किया है उसका नाम और कौन सा स्टेट है वो, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे SCBC के अंदर भी देखेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट आता है नॉन क्रीमी लेयर, क्योंकि यहाँ पे क्रीमी लेयर को तो मिलता नहीं रिजर्वेशन, नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। दोनों का डेट, सर्टिफिकेट नंबर और आपकी कौन सा आपका स्टेट है, एंड देन कौन आपका ऑफिसर है जो इसको असाइन किया हुआ है, ठीक है। चलते हैं आगे, तो अगर आप जनरल हो तो जनरल में तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ चला गया, एक बार न्यू रजिस्ट्रेशन जाना है ना, ठीक है। हमने यहाँ पे देख लिया, कैटेगरी तक देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस पे आते हैं, एड्रेस के अंदर क्या है कि दो टाइप के एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस है और दूसरा परमानेंट एड्रेस है। जैसे कुछ बच्चे हैं पीजी में रह रहे हैं या प्रिपरेशन करने के लिए कहीं और जगह रह रहे हैं,
तो उनको कम्युनिकेशन एड्रेस में वो डालना है। परमानेंट एड्रेस वो है जो उनका घर है, जहाँ पे उनका आपका लाइसेंस में जो एड्रेस है, या जो एड्रेस उनके घर में, मतलब जो परमानेंट एड्रेस है जिसका प्रूफ है उनके पास, वो डालना है। कम्युनिकेशन एड्रेस क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या होता है, कभी कभार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका इंटरव्यू कॉल होगा, आपका सिलेक्शन होगा, तो सब पे एक डॉक्यूमेंट्स जीपीएससी सेंड करता है घर पे, तो वो कम्युनिकेशन एड्रेस पे जाएगा। जैसे अगर आपको डीवी के लिए आपको एक एनवेलप भेजेगा कि आपको यू आर सेलेक्टेड फॉर द डीवी, तो आपको इस एड्रेस पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो आपका कागज होगा वो इस एड्रेस पे जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के कम्युनिकेशन वाले भी डालना और परमानेंट वाले भी, क्योंकि जो हाँ ये कम्युनिकेशन में जो रहेगा उसी पे आपका हर कागज जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसके अंदर आपको आपको पता ही एड्रेस डालना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, पिन, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर दोनों डाल के आपको अपनी ओटीपी डालेंगे, जिसे वेरीफाई करेंगे कि आपका मोबाइल सही है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम टू सेम ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल के अंदर भी आपके पास ओटीपी सेंड होगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन डिटेल आपकी ईमेल पे जाएगी और ओटीपी आपका मोबाइल पे जाएगा। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है, जो ओटीआर जनरेट होगा, वो दोनों पे जाएगा, मेल आपका व्हाट्सएप सॉरी मोबाइल पे भी जाएगा, देन आपका ईमेल पे भी जाएगा। यहाँ पे हमको नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। अदर डिटेल में ज्यादातर ये वाली डिटेल कोई भरता नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई स्पोर्ट्स में हो, पार्ट लिए हो, तो वो भी आपको डालना पड़ेगा। फिजिकली चैलेंज हो तो हाँ, थोड़ा बहुत इसमें आपको देखना पड़ेगा, फिजिकली जो चैलेंज बच्चे हैं उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा किस चीज में फिजिकली है, ठीक है। अगर आप हम लोग जो नहीं है वो नॉट अप्लीकेबल पे डालेंगे, जो है वो इसमें से कोई ना एक ना चीज पे डालेंगे। देन विडोज का आ गया, एक्स, यस, एक्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके लिए भी है। अगर आप गुजरात स्टेट गवर्नमेंट में कोई एम्प्लॉय है, उसके लिए भी आपको ज्वाइनिंग डेट डालनी पड़ेगी, नेम ऑफ डिपार्टमेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। देन लैंग्वेज की डिटेल आई। अच्छा, लैंग्वेज की डिटेल में तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सबको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तो आती होगी, तो सब यहाँ पे रीड, राइट, स्पीक एक बार सब क्लिक कर देंगे। रीड राइट जो आ रही, जिसको नहीं आ रही तो रिमूव कर देगा जो चीज नहीं आ रही, पर मुझे लगता है कि सबको आनी चाहिए, सबको आती ही होगी। देन फोटोग्राफ एंड साइन है। देखो तो फोटोग्राफ को हमको ये, हमारा फोटोग्राफ की साइज दी हुई है कि फोटोग्राफ की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, विड्थ जो है 3.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। 15 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको, कोई भी आपका पासपोर्ट साइज फोटो हो, उसको आप ऑनलाइन आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक सैंपल दिखा दूं कि देखो ये ऐसा होना चाहिए। नीचे डेट आपकी जरूर लिखी होनी चाहिए, क्योंकि पहले जीपीएससी अलाउ, जीपीएससी ने बोला नहीं था, लेकिन अब कुछ मतलब कुछ रिक्रूटमेंट से उन्होंने अलाउ किया है कि इसको भी आपको डेट भी लिखनी पड़ेगी, कि जैसे आपका फोटो आपका रिसेंट हो, ऐसा पता चले कि आपका रिसेंट फोटो होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा फोटो होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड भी व्हाइट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर रिक्रूटमेंट के अंदर क्या देखा गया है कि स्पेशली नोटिफाई करते हैं कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आप कोई फोटो खिंचवा रहे हो तो वहां बोलो उनको कि हाँ मेरा जो बैकग्राउंड है दैट शुड बी इन व्हाइट, ठीक है। और उसके बाद आपको डेट अपनी यहाँ लिखनी पड़ेगी, बर्थ डेट, ठीक। चलो आपने ये फिलअप कर दिया, उसके बाद आपको अपलोड ही करना है, ठीक है। साइन को भी सेम टू सेम वैसे अपलोड करना है, तो 15 KB दोनों से, 15 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये साइज दी हुई है 2.5, 7.5, यहाँ पे 5 और 3.6। देन डिक्लेरेशन करना है आपको। डिक्लेरेशन में आपको बता दिया है कि भाई हाँ ये चीज होनी है, कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन दिया है वो राइट है, तो अगर कुछ होगा तो आप लीगल एक्शन हमारे ऊपर ले सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने डिक्लेरेशन देना है हमको। यहाँ पे यस करके यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। सेव कर देंगे, सब सेव करोगे तो आपके पास आपकी ईमेल पे, आपके फोन पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जाएगा कि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ठीक है। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन आ गया है, तब आप यहाँ पे आओगे। एक मिनट, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये यहाँ पे ये जो इंटरफेस है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो पहले प्रीवियसली अप्लाइड किए हुए हैं, वो अप्लाई विथ ओटीआर करेंगे, यहाँ पे ओटीआर डाल के, बर्थडेट डाल के,
जिनका नहीं हुआ है वो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन किस लिए हुआ? ओटीआर जनरेशन के लिए, ठीक है। अब ओटीआर तो सबके पास है, अब सेकेंड स्टेज पे देखते हैं कि ओटीआर यहाँ पे फिलअप करेंगे, यहाँ पे बर्थ डेट फिलअप करेंगे, ठीक है। ओटीआर डाले, बर्थ डेट डाले, अप्लाई विथ ओटीआर क्लिक करना है। अप्लाई विथ ओटीआर भी क्लिक करोगे तो आपका इस टाइप का खुल जाएगा, आपका इस टाइप का आपका खुला खुल जाएगा, जिसमें आपका असिस्टेंट इंस्पेक्टर मोटर व्हीकल लिखा है, ये सब लिखा है, ये ऑलरेडी फिल्ड हुआ, आपका फिलअप हुआ रहेगा, सब कुछ फिलर, ये सब फिलअप हुआ रहेगा, ठीक है। ये सब फिलअप हुए रहेंगे आपके, क्योंकि आपने जब रजिस्ट्रेशन के जब आपने किया होगा तो ये सब चीज फिलअप हुई रहेगी। तो आपको एक बार, बस एक बार नजर मार लेना है कि हाँ मेरा जो जो मैंने फिलअप किया था रजिस्ट्रेशन में सही है कि गलत है। अब यहाँ से अपना उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, कुछ स्पेलिंग या उसमें मिस्टेक हुई हो तो, ठीक है। अच्छे से देख के एक बार डिटेल्स को सब कुछ, क्योंकि इसको तो हमने रजिस्ट्रेशन में फिलअप ही कर दिया है। देन अब देखो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद खाली एक एजुकेशन डिटेल्स होती है जो हमारी हर रिक्रूटमेंट में अलग अलग होती है, इसलिए ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला सिर्फ एजुकेशन डिटेल वाला, वो सिर्फ अप्लाई ओटीआर के बाद ही आता है, ठीक है। अब यहाँ से एज ए एएमवीआई है तो एएमवीआई के लिए ये चार हमको चाहिए, डिप्लोमा है मैकेनिकल है, डिप्लोमा ऑटोमोबाइल है, बीई बीटेक मैकेनिकल, बीई बीटेक ऑटोमोबाइल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ बच्चे डी टू डी वाले भी हैं, तो डी टू डी वाले के जो है वो अपना डिग्री वाला डाल सकते हैं या डिप्लोमा वाला डाल सकते हैं, जैसा उनका मन का है। बीटेक वाला तो बीटेक ही कर सकता है, डिप्लोमा वाला जिसके पास सिर्फ डिप्लोमा है तो वो तो सिर्फ डिप्लोमा डालेगा, ठीक है। देन हम परसेंटेज डालेंगे, आपको पता है परसेंटेज, अगर हम, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबका अलग अलग क्राइटेरिया है परसेंटेज निकालने का। जैसे जीटीयू में है तो जीटीयू में 0.5 माइनस करना पड़ता है ना। सपोज उनका सीजीपीए 7 है, सीजीपीए 7 है तो 7 माइनस 0.5, 6.5 मल्टीप्लाई 10, 65% हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको परसेंट डालना है। ग्रेड में देखो, ग्रेड में तो हमारा ग्रेड सिस्टम तो चलता नहीं है, जिस जिनके यहाँ ग्रेड सिस्टम है तो वो ग्रेड डालेगा। हमारे यहाँ जैसे अपने जीटीयू की बात करें, जीटीयू में ग्रेड सिस्टम नहीं है, जो जीटीयू में ग्रेड सिस्टम नहीं है तो यहाँ पे एनए पे क्लिक करेंगे। क्लास डिस्टिंक्शन आया है कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास यहाँ लिखेंगे। एग्जाम एग्जाम बॉडी के अंदर अगर जीटीयू है या आईआईटी है, एनआईटी है, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। जीटीयू है तो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और जिसका क्या बोलते हैं आईआईटी है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्टेट डालेंगे किस स्टेट में वो आपकी जो एग्जाम बॉडी है, जैसे जी टू है हमारी अहमदाबाद में है, ठीक है। पासिंग ईयर डाल देंगे। देन पासिंग ईयर के बाद अब इसमें खाली लास्ट ऑप्शन आता है कि हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय जीपीएससी और GSSB, है ना। तो अगर जो हुए हैं तो यस करके अपने ऑर्डर डेट और नंबर ऑफ ईयर लिखना पड़ेगा, जो नहीं हुए हैं तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं हुएंगे तो नहीं पे नो पे क्लिक करना है हमको, ठीक है। नो पे क्लिक किया, देन यहाँ पे फाइनल आपको यस करना है। यहाँ पे एश्योरेंस है कि यहाँ से जो जो मैंने डॉक्यूमेंट भरे हुए हैं वो हमारा सही है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको सेव करना है। सेव कर दोगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो गया, कंप्लीट फॉर्म फिलअप हो गया। जैसे ही सेव करोगे आपके मेल पे, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली डन योर फॉर्म। ये मैसेज आ गया, उसके बाद मैसेज आने के बाद उस मैसेज में एक कन्फर्मेशन नंबर भी लिखा रहता है आपका, वो कंफर्मेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंफर्मेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो जो कंफर्मेशन नंबर है ना, देखो दो टाइप के नंबर है, ओटीआर, ओटीआर से आप कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हो, कंफर्मेशन नंबर से आप उसके अंदर कोई भी काम कर सकते हो। लाइक ये, ठीक है, कंफर्मेशन नंबर आ गया। तो कंफर्मेशन नंबर के बाद लास्ट स्टेज हमारा कौन सा है? फीस भरने का। फीस भर देंगे, लास्ट हमारा स्टेज खत्म हो गया, तो यहाँ से हम फीस भर देंगे। ऑनलाइन पोस्ट चलान, फीस के बहुत से ऑप्शन है, आप देखोगे बहुत से ऑप्शन है, तो हमको ऑनलाइन पोस्ट चलान वाला करना है, ऑनलाइन करना है। जॉब को सेलेक्ट करनी है, कौन सी जॉब है। देन कंफर्मेशन नंबर मैंने आपको बताया था, जैसे ही एज यू फिल द फॉर्म वैसे ही आपके पास मैसेज आ जाएगा, उसमें कंफर्मेशन नंबर लिखा रहेगा। कंफर्मेशन नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो। अब यहाँ से आप ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। फीस ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो यहाँ पे आपके पास SBI का कार्ड, जो भी कार्ड हो उस कार्ड से आप फिलअप कर सकते हो, या आपका नेट बैंकिंग है उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये कर दिया आपने, फॉर्म फिलअप कर दिया आपने, फीस भी पेमेंट कर दी,
उसके बाद जब आपको यहाँ से अप्लीकेशन फॉर्म भी आप प्रिंट कर सकते हो, ये अप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट कर सकते हो। तो अप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करोगे तो वही वाला आएगा कि जॉब आपको सिलेक्ट करनी है, कंफर्मेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। तो प्रिंट अप्लीकेशन, अप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लो। प्रिंट करके एक बार देख लो कि कहीं दिक्कत तो नहीं है, सब जगह सही किया है कि नहीं। और अगर दिक्कत है तो जीपीएससी एक सुविधा प्रोवाइड करता है कि आप 30 अक्टूबर, मतलब जो लास्ट डेट ऑफ आपका अप्लीकेशन फॉर्म होता है, तब तक आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके पहले अगर आप एडिट कर दोगे तो दिक्कत नहीं है, कोई भी आपके नाम में दिक्कत हो रही है या डेट ऑफ बर्थ में आपने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम जो फिलअप करता है तो थोड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। ठीक, तो आप यहाँ से अप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है, जो फिलअप हुआ है वो जनरेट हो जाएगा। वहां से आप पूरा उसको रेक्टिफाई करो, चेक करो कि हाँ हर जगह सही है, सही है, और आपका आपका फीस भी भर चुकी है, आपका फॉर्म यहीं पे एंड हो जाता है। फीस जो है हमारी लास्ट स्टेज है। ठीक है, फीस भरने के बाद आप यहाँ से फीस का आप रिसिप्ट भी ले लो, क्योंकि कभी क्या होता है, कभी जब इंटरव्यू है या आपका फाइनल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो बोल देते हैं उसमें लिखा रहता है कि ऑनलाइन फीस की रिसिप्ट भी आपको चाहिए, क्योंकि जनरल वालों के लिए तो लगती है तो उनके लिए जनरेट होती है। तो इसको आप डाउनलोड करके रख लेना और अप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब ऑफलाइन होगा तो वहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो वहाँ पे मांगते हैं। ठीक है, और डाउनलोड होने के बाद आपका खत्म हो गया, फीस इज द लास्ट स्टेज। उसके बाद आप अपना डाउनलोड करके रख लो, आपका हो गया। ये मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का काम है। जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं उनके लिए 15 मिनट का काम है, और जिनके पास ऑलरेडी प्रीवियसली अप्लाइड है जीपीएससी के अंदर, उनके लिए 5 मिनट का काम है। ठीक है, तो अपना सेशन यहीं से एंड करते हैं हम लोग, और कोई भी दिक्कत हो आपको इसमें फॉर्म से रिलेटेड तो आप इस जो हमारा वीडियो जा रहा है इसके नीचे जो कमेंट आए उस कमेंट में आपको लिखना है। वैसे तो कुछ डाउट होने नहीं चाहिए, बट अगर होंगे तो वहीं पे आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ रखते हैं। जय हिंद।